He was just a teenager when he died, the last heir of a powerful family that had ruled Egypt and its empire for centuries. He was laid to rest laden with gold and eventually forgotten. Since the discovery of his tomb in 1922, the modern world has speculated about what happened to him, with murder being the most extreme possibility. Good morning, students. Today, our chapter number 4, we will start, and this is Discovering Tut. The saga continues. Raja Tut, एक जो Egyptian king है और teenager है, उनकी कहानी आज हम पढ़ेंगे. अब लोगों को लगता है कि उनकी लाइफ कैसी थी, एक मिस्ट्री थी या फिर कोई मर्डर उनके साथ हुआ था, कब पैदा हुए और कब खत्म हुए, तो ये सारी की सारी कहानी उनकी टूम से जान पाएंगे. और टूम में उनका कॉफिन पड़ा है जिसमें उनकी मम्मी है, और उस मम्मी की डिस्कवरी कर रहे हैं आर्कियोलॉजिस्ट. ए आर विलियम्स का ये लिखा हुआ चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जिसमें हम जान पाएंगे बहुत सारी वोकैब जो कि आफ्टर डेथ और डेथ के समय काम में ली जाती है. हर एक चीज़ जानने की कोशिश करेंगे. कब्रिस्तान को क्या कहते हैं, कब्र को क्या कहते हैं, कब्र पे बने हुए घर को क्या कहते हैं, जहाँ बॉडी रखी जाती है उस जगह को क्या कहते हैं, बॉडी को लेकर के चलने वाले लोगों को क्या कहते हैं. तो बने रहिए, आइए चलते हैं ड्रीम टच एकेडमी के साथ. ही वो जस्ट अ टीनेजर. तो जब भी हम चैप्टर को पढ़ते हैं तो मैं पहले 2-3 पैराग्राफ में ज़्यादातर जो वर्ड्स होते हैं जो हमें नहीं आते हैं उनका विश्लेषण करता हूँ, उनको बताता हूँ. और हमें ऐसा ही करना चाहिए. आप सेल्फ स्टडी की आदत डालेंगे, अपनी बुक खोल लीजिए और बुक खोल करके उसके साथ साथ आप उसमें अंडरलाइन करते जाइए जो जो वर्ड जहाँ जहाँ आते हैं. ही वो जस्ट अ टीनेजर. तो ही मीन्स वह, वोज मीन्स था, जस्ट मीन्स केवल, अ टीनेजर. अब देखिए यहाँ वर्ड है टीनेजर, ऐसी एज जिसके तीन लगता हो, जैसे आप काउंटिंग करें 11 नहीं लगा, 12 नहीं लगा, पर 13, 14, 15, 16, तो जहाँ तीन लगता है उस एज को क्या कहते हैं, टीनेजर. When he died, जब वह खत्म हुआ. तो ये कहानी किसकी है, ये फरा इजिप्शियन किंग ट्यूट की कहानी है. और जब वो खत्म हुए तो वो एक टीनेजर थे, ऐसा कहा जाता है. द लास्ट हेयर, सबसे अंतिम सक्सेसर, उत्तराधिकारी था, ऑफ अ पावरफुल फैमिली, एक शक्तिशाली राजघराने का, दैट हैड रूल्ड, जिन्होंने शासन कर लिया था इजिप्ट एंड इट्स एम्पायर फॉर सेंचुरीज, और इनके एम्पायर पे शताब्दियों तक, सेंचुरीज में सैकड़ों वर्ष, एम्पायर राज्य. ही वॉज लेड टू रेस्ट लेडन विद गोल्ड एंड इवेंचुअली फॉरगॉटन. और जब वो आराम किया, कहने मतलब जब खत्म हुए, तो उनको लोडेड करके गोल्ड के साथ, जो कि अब बुलाया जा चुका था, उसको विदा किया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम, तो यहाँ जब से उनकी टूम की डिस्कवरी हुई, टूम क्या होता है, मकबरा होता है, कब्र के ऊपर बना हुआ बड़ा सा घर या इमारत होती है, जैसे कि ताजमहल बना है वो भी एक टूम है, ऐसा कहा जा रहा है, अभी डिस्कवरी चल रही है. एन एनक्लोजर टू बरी द डेड, डेड बॉडीज को दफनाने के लिए जो एनक्लोजर बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, टूम कहते हैं. तो मुख्य रूप से लोग उसको भूल चुके थे, कब तक भूल चुके थे, जब तक उनकी टूम की डिस्कवरी स्टार्ट नहीं हुई इन 1922 में. द मॉडर्न वर्ल्ड हैज स्पेकुलेटेड, अब जाकर के आधुनिक युग ने कयास लगाना स्टार्ट किया, अबाउट व्हाट हैपेंड टू हिम, इस बारे में कि उनके साथ हुआ क्या था, विद मर्डर बीइंग द मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी. और ज़्यादातर लोगों का क्या था कि शायद उनका मर्डर हुआ था, यही मोस्ट एक्सट्रीम पॉसिबिलिटी थी, सबसे ज़्यादा संभावना या कयास किए जा रहे थे. तो देखते हैं, वह केवल टीनेजर ही थे जब खत्म हुए थे, और इस राजघराने के अंतिम सक्सेसर थे, जो कि पावरफुल फैमिली रही थी और मिस्र पे सदियों तक राज्य किया था. जब अंतिम समय उनका आया तो सोने से लदे हुए उनको आराम दिया गया उनकी कब्र में, आज उनको भुला दिया गया. सिंस द डिस्कवरी ऑफ हिज टूम, और जब उनकी डिस्कवरी हुई टूम की, तब से लोगों ने उनको फिर से याद करना स्टार्ट किया 1922 में. और अब कई विचार करने लगे दिमाग में कि उनके साथ हुआ क्या था, और ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि उनका मर्डर हुआ था. आर यू गेटिंग, यदि समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर करिए, और कमेंट में थम्स अप आना जरूरी है.
आपका कोई दोस्त नहीं देख रहा है तो उसके साथ इसको शेयर जरूर करें। देखना जरूरी है, पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे तो हर चीज़ समझ में आएगी। और आप केवल मुझे दिखाने के लिए देख रहे हैं तो प्लीज़ नहीं देखें। नाउ लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, क्यूट हैज अंडरगोन अ सिटी स्कैन दैट ऑफर न्यू क्लूज अबाउट हिज लाइफ एंड डेथ एंड प्रोवाइड्स प्रिसाइज डेटा फॉर एन एक्यूरेट फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फॉरवर्ड। देखिए ये जो कहानी चल रही है ये कब हुई, जब 80 साल पहले उनके साथ ऑलमोस्ट 80 ईयर्स द लिविंग हिज टूम फॉर द फर्स्ट टाइम इन ऑलमोस्ट 80 ईयर्स, कि जब कार्टर ने इनको खोजना स्टार्ट किया था वो 22 था 22, ठीक है, और 22 के बाद में आज जब उनकी फिर से सिटी स्कैन हो रही है तो इसका मतलब 80 साल तक उनको किसी ने टच नहीं किया। तो 80 साल बाद में ये कहानी हो रही है जब उनकी डेड बॉडी को इस सिटी स्कैन के लिए लाया जा रहा है। सिटी स्कैन आप जानते होंगे कि एक ऐसी एक्सरे मशीन होती है जिसमें 3D एक्सरे लिए जाते हैं, चारों तरफ से एक्सरे लिए जाते हैं और छोटे छोटे स्लाइस में लिए जाते हैं। ब्रेड देखा होगा, ब्रेड को जैसे स्लाइस में काट देते हैं उसी तरीके से हर तरीके से उनका पिक्चर लिया जाता है, फिर रिकंस्ट्रक्शन कर दिया जाता है, वापस उनकी डेड बॉडी को हूबहू बनाने की कोशिश की जाती है। और फॉरेंसिक वो होती है जो हम मर्डर वगैरह की हिस्ट्री के बारे में जांच करते हैं, कोई क्राइम की जांच करते हैं डेड बॉडी से पोस्टमार्टम के जरिए, तो वो सारी चीज कहलाती है फॉरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द बॉयज फरोहा। लड़कों जैसा मतलब टीनेजर था और फरोहा इजिप्शियन किंग राजा को फरोहा कहते हैं। एन एंग्री विंड स्टेड, अब कहानी का घटनाक्रम ऐसे होता है कि जब उनकी डेड बॉडी को सिटी स्कैन के लिए लाया जा रहा था तो खतरनाक हवा बहने लगी, घोस्टली डस्ट और बहुत ही भूतों जैसा ईरी डरावना डस्ट धूल डेविल्स धूल का राजा एज किंग ट्यूट वॉज टेकन फ्रॉम हिज रेस्टिंग प्लेस, जैसे ही ट्यूट को अपने आरामगाह से बाहर लाया गया इन द एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री, जो एंशियंट इजिप्शियन सेमेट्री था जिसको कहते थे नॉन एज वैली ऑफ द किंग्स, और वैली ऑफ किंग्स के नाम से भी इनके कब्रिस्तान को जाना जाता है। डार्क वेलीड क्लाउड्स हैड स्कटेड अक्रॉस, और काले रंग के जो बादल थे वो पूरे के पूरे आकाश में, द डेजर्ट स्काई ऑल डे एंड नाउ वर वेलिंग, जो बादल थे उन्होंने आकाश को, जो डेजर्ट का आकाश था उसको ढक रखा था, ऐसे ढक रहा था जैसे द स्टार्स इन कैस्केड ग्रे, कि एक ग्रे रंग की कैस्केड टोकरी में सारे के सारे तारे रखे हुए हों। इट वॉज 6 PM, ये 6 बजे का समय था ऑन 5 जनवरी और 5 जनवरी 2005, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस मम्मी ग्लाइडेड हेड फर्स्ट इनटू अ सिटी स्कैनर ब्रॉट हियर टू प्रोब द लिंगरिंग मेडिकल मिस्ट्रीज ऑफ दिस लिटिल अंडरस्टूड यंग रूलर हु डाइड मोर देन 3300 ईयर्स अगो। तो ये कहानी बता रहे हैं कि सिटी स्कैन मशीन में किस तरीके से उनकी बॉडी जा रही है। तो सिटी स्कैनर के पास लाया गया और ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कि मेडिकल मिस्ट्री है क्या, उनकी बॉडी के साथ क्या हुआ था, वो अकस्मात मरे थे, मर्डर किया गया था या कोई घटनाक्रम उनके साथ हुआ था, उसको देखने के लिए उनकी जो बॉडी है वो सिटी स्कैन मशीन के अंदर जा रही है। आपने देखा होगा एक बड़ा सा हुड होता है, स्कैनर होता है, उसके अंदर एक प्लेटफॉर्म में से बॉडी आराम से जाती है और उनके 3D पिक्चर एक्सरे लिए जाते हैं और इन एक्सरे से ये पता किया जाता है कि कहाँ प्रॉब्लम है, किस पार्ट में प्रॉब्लम हुई। तो बड़े अच्छे तरीके से वर्णन किया जा रहा है कि उनकी डेड बॉडी किस तरीके से एक्सरे मशीन में जा रही थी और जिनको मरे हुए 33,000 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं। All afternoon, the usual line of tourists from around the world had descended into the cramped rock-cut tomb some 26 feet underground to pay their respect. अब देखिए जो टूरिस्ट है वो आते जाते ही रहते हैं, वहाँ लगे ही रहते हैं, तो उनकी एक यूजुअल लाइन थी जो सामान्य टूरिस्ट आते ही रहते हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से डिसेंडेड एक जगह इकट्ठे हो गए थे इनटू द क्रैम्प्ड, जो बहुत छोटी सी जगह थी, किसी रॉक कट टूम, चट्टानों को काट करके एक टूम बनाई गई थी, और कहाँ 26 फीट अंडर धरती में टू पे देयर रेस्पेक्ट, वो भी अपना रेस्पेक्ट देना चाहते थे। ये लोगों की एक धारणा बन जाती है कि डेड बॉडी पे कब्र पे हम सर झुकाने के लिए जाते हैं, जब आदमी जिंदा होता है तो उसकी परवाह नहीं करते और जब वो मर जाते हैं तो उनसे मलाई चढ़ाते हैं और उनको देवता मानने की कोशिश करते हैं। चलिए ये भी एक बिलीफ है, मैं किसी के बिलीफ को हर्ट नहीं करना चाहता, पर ये कहानी
6 बजे के करीब किया, आफ्टरनून किया, जब ज़्यादातर लोग टूरिस्ट थे वो इकट्ठे हो चुके थे एक छोटे से रॉक कट टूम में 26 फीट अंडरग्राउंड। दे गेज्ड, वो सबके सब घूर रहे थे, बोर करके देख रहे थे, गेज्ड एट अदर गुड्डा मोरल्स मूरल्स कौन होते हैं, पेंटिंग्स और अदर आर्ट वर्क ऑन द वॉल्स ऑफ द बरियल चैम्बर, जो बरियल चैम्बर था जिसमें डेड बॉडी रखी गई थी, एंड क्लियर डेड ट्यूड्स गिल्डेड फेस, और किस चीज़ को घूर के देख रहे थे, गिल्डेड फेस को देख रहे थे, द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ हिज मम्मी शेप आउटर कफिन लिड, कि जो ऊपरी हिस्सा था जो कि मम्मी की शेप का बना हुआ था वो ढक्कन, और वो किसका बना हुआ था, गिल्डेड, गिल्डेड का मतलब जिसपे गोल्ड की कोटिंग थी, और ऐसा लग रहा था एक लोगों के आश्चर्य का केंद्र बना हुआ था, स्ट्राइकिंग मीन्स प्रोमिनेंट, बहुत ही अच्छा फीचर था जिसको लोग निखारना चाहते थे, देखना चाहते थे, और आउटर कफिन इसका मतलब कफिन के अंदर भी कोई कफिन रहा होगा, तो बाहर का हिस्सा था ढक्कन था वो लोगों के आश्चर्य का केंद्र बना हुआ था, जो सोने का बना हुआ था। ये बड़े वेल्दी होते थे, पैसे वाले होते थे, तो ज़्यादातर जब डेथ 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 होती थी तो इनके साथ वो सारी चीज़ें रखती जाती थी, क्योंकि आफ्टर लाइफ में थोड़ा विश्वास करते थे। सम विजिटर्स रीड फ्रॉम गाइड बुक्स, ज़्यादातर लोग या कुछ लोगों के पास जो पढ़ने के लिए था वो कुछ गाइड बुक्स थी, तो उनमें से उन्होंने पढ़ रखा था या पढ़ रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। अदर स्टूड साइलेंटली, कुछ चुपचाप खड़े थे, परहैप्स पॉन्डरिंग, शायद ये सोच रहे होंगे, ट्यूड्स अनटाइमली डेथ इन हिज लेट टीन्स, उसके अंतिम क्षणों में जब वो अनटाइमली डेथ हुई बिना समय के, समय का क्या मानते हैं कि आदमी 80 के पार चला जाता है और फिर सब खत्म होता है बुढ़ापे में, तो वो टाइमली डेथ कहलाती, नेचुरल डेथ कहलाती, पर इससे पहले कोई ख़त्म हो जाता तो वो अनटाइमली डेथ कहलाती है। उनके साथ ऐसा ही हुआ कि वो टीनेजर ही थे। वंडरिंग दैट, वंडरिंग विद अ सीवियर, और एक डर से आश्चर्य कर रहे थे, इफ द फरोहाज कर्स, कि कहीं हम उनको उनके कर्ज का निशाना नहीं हो जाए, डेथ और मिसफॉर्च्यून फॉलिंग अपॉन दोज, और उन पे भी क्या हो सकता है, या तो डेथ मर सकते हैं या फिर दुर्भाग्य आ सकता है, टू डिस्टर्ब हिम, जिसने भी उनको डिस्टर्ब किया, वॉज रियली ट्रू, और लोगों को ये सच भी लगता था, क्योंकि 33,000 साल से वो जहाँ आराम कर रहे थे उनको आज 6 स्किन के लिए हम छेड़ रहे हैं, तो लोगों को ऐसा डर लग रहा था, और ये कुछ गाइड बुक से पढ़ करके बातें कर रहे थे और कुछ सोच रहे थे। द मम्मी इज इन वेरी बैड कंडीशन बिकॉज ऑफ वॉट कार्टर डिड इन द 1920s, सेड जही हवास। अब ये जही हवास कौन है, इनके लिए पूरा यहाँ दिया गया, सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज। तो ये जो जही हवास है जो कि सेक्रेटरी है, और वो भी कहाँ के, जनरल इजिप्ट सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक्विटीज, तो एंटीक्विटीज के जनरल काउंसिल है या सुप्रीम काउंसिल है, उनके सेक्रेटरी जही हवास है, वो कह रहे हैं कि मम्मी इज है इन वेरी बैड कंडीशन, बहुत ही बुरी हालत में, क्योंकि बिकॉज ऑफ व्हाट कार्टर डिड, जो भी कार्टर ने उसके साथ किया इन द 1920s 1920 में, एज ही लीन्ड ओवर द बॉडी फॉर ए लॉन्ग फर्स्ट लुक, जैसे ही जही हवास ने ऐसे लीन होकर के आगे झुक करके बॉडी को बहुत लंबे तक पहला लुक लिया और कहा कि बॉडी की तो बुरी हालत हो चुकी है। कार्टर कौन है इनको भी जान लेते हैं। कार्टर है, पूरा नाम इनका हॉवर्ड कार्टर है, दैट इज जो कि है वॉज द ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, जो कि पुरानी चीज़ों के बारे में डिस्कवरी रिसर्च करते रहते हैं। वो 1922 डिस्कवर्ड ट्यूट टोम आफ्टर ईयर्स ऑफ फ्यूटाइल सर्चिंग, और उन्होंने डिस्कवर करी थी ट्यूट की टोम को, कि एक फ्यूटाइल सर्चिंग स्टार्ट कर रखी थी उन्होंने, जिसका कोई एम नहीं था कि मैं क्यों सर्च कर रहा हूँ और किस लिए इस चीज़ों को देख रहा हूँ, तो उसी सर्च में उन्होंने इस टूम को पाया था 1922 में। इट्स कंटेंट्स दो हेस्टिली रेंसेक्ड इन एंटीक्विटी वर सरप्राइजिंगली कंप्लीट, और ये कहते हैं कि इसके जो भी कंटेंट्स थे, जो कि यद्यपि जल्दबाजी में उनको डिस्पॉइल कर दिया गया था, कई चीज़ों को नष्ट कर दिया गया था, इन एंटीक्विटी जो इनकी ओल्डनेस थी, कि जब भी हम किसी पुरानी चीज़ से छेड़छाड़ कर लेते हैं तो वो पुरानी नहीं रहती। मान लीजिए कि हम 33,000 वर्ष पुरानी इस टूम को मान रहे हैं और इसमें पड़ी डेड बॉडी भी इतनी ही पुरानी है, पर जब इसको 1922 में एक बार डिस्टर्ब कर दिया तो आज 2005 में ये नई नहीं है, तो इसकी ओल्डनेस किसने ख़त्म कर दी, हॉवर्ड कार्टर ने कर दी। और ऐसा कौन कह रहे थे, हाँ जही हवास कह रहे थे,
जो कि सीक्रेटरी जनरल है इजिप्ट के सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिकिटीज के हैं। एंटिकिटीज कौन सी चीजें हो गई, जो कि ओल्ड चीजों की रिसर्च करती है वहां के। They remain the richest royal collection ever found and have become part of the Farrokhah legend. आज ये फरोहा की कहानी का हिस्सा बन गया, जो भी उन्होंने richest royal collection हासिल किया था। तो ये सारी की सारी चीजें आज क्या हो गई, फरोहाज लेजेंड बन गए हैं। Stunning artifacts, जो आर्टिफैक्ट है उनका हम आर्टिकल कहते हैं, ऑर्नामेंट्स कहते हैं, इन गोल्ड जो सोने के बने हुए हैं, देयर इटर्नल ब्रिलियंस और उनकी हमेशा चमक जो कभी खत्म नहीं होने वाली है, वो हमें गारंटी देती है रिसरेक्शन। रिसरेक्शन का मतलब रिस्टोरेशन की, तो लाइफ वापस से हम देख सकते हैं उस समय जमाना कैसा रहा होगा, लोग कैसे थे। कोज द सेंसेशन एट द टाइम ऑफ द डिस्कवरी, और यही सेंसेशन का कारण बन जाता है जब हम डिस्कवरी करते हैं। सनसनी का कारण, सेंसेशन सनसनी फैल जाती है जब हम खोज कर रहे होते हैं। एंड स्टिल गेट द मोस्ट अटेंशन, और आज भी सबसे अटेंशन का कारण क्या बन जाते हैं, ये जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं खुदाई में या कहीं डेड बॉडीज के साथ, तो हम बड़े आश्चर्यचकित होकर के कौतूहल से उनके बारे में जानने को तैयार हो जाते हैं। बट ट्यूट वॉज ऑल्सो बरिड विद एवरी डे थिंग्स ही शुड वॉन्ट इन द आफ्टर लाइफ, कि जो भी उनको आफ्टर लाइफ, हाँ मौत के बाद में भी एक जीवन होता है, ऐसा लोग विश्वास करते हैं, इजिप्शियन लोग भी करते हैं। एंड इवन इन हिंदुइज्म वी बिलीव इन रीइंकार्नेशन एंड रीबर्थ, हम भी विश्वास करते हैं कि आदमी का पुनर्जन्म होता है, मौत के बाद में भी एक दुनिया होती है, सेम ऐसा ही विश्वास वो भी करते हैं। बोर्ड गेम्स, अ ब्रॉन्ज रेजर, लेनिन अंडरगारमेंट्स, केसेस ऑफ फूड एंड वाइन, तो इन लोगों को भी क्या दिया गया कि आफ्टर लाइफ में ये चीज़ें जरूरत पड़ेगी। तो एक बोर्ड गेम दिए गए, ब्रॉन्ज का रेजर दिया गया और लेनिन के अंडरगारमेंट्स इसके साथ रखे गए, फूड के केसेस रखे गए और वाइन्स भी इनके साथ बरियल प्लेस में रखे गए। आफ्टर मंथ्स ऑफ केयरफुली रिकॉर्डिंग द फरोहाज फ्यूनरल ट्रेजर, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन्स। Opening the first, he found a throne adorned with garlands of willows and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers, the faded evidence of burial in March or April. अब देखते हैं, after months of carefully recording, ये महीनों की carefully recording के बाद, the Farrokhahs, इनकी फरोहा की funeral treasures का मतलब खजाना, तो जो उनके मौत का खजाना था या मौत के बाद जो मौत के साथ डेड बॉडी के साथ जो खजाना दिया गया, वैल्यूएबल थिंग्स दी गई, कार्टर बिगेन इन्वेस्टिगेटिंग, कार्टर ने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया हिज थ्री नेस्टेड कॉफिन। नेस्टेड का मतलब एक के बाद एक, जैसे पहले एक बड़ा सा कॉफिन बना दिया गया, उसमें दूसरा कॉफिन रखा गया छोटा, फिर उसमें दूसरा कॉफिन रखा गया, ऐसे करके थ्री नेस्टेड कॉफिन रखे गए। तो पहले को खोलेंगे तो दूसरा निकलेगा, दूसरे को लेंगे तो तीसरा निकलेगा, और जो लास्ट कॉफिन था वो मम्मी शेप था, जिस तरह से मम्मी होती है तो इसी तरीके से इसी शेप का वो कॉफिन रखा गया, और उसी में उनकी डेड बॉडी रखी गई। और सबसे जो होटल का विषय था, इनका गिल्डेड फेस था जो कि सोने का बना हुआ था। ओपनिंग द फर्स्ट, जब पहले कॉफिन को खोला, ही फाउंड अ थ्रोन, उन्होंने उसमें एक कफन पाया अडोर्न, जो सजाने के लिए था और जो सजा हुआ था विथ गार्लैंड्स, मालाओं से, ऑफ विलो जिसको हम एक रीत कह सकते हैं, फूलों से बना हुआ ऐसा गोल आकृति होती है, उस पर इधर उधर इधर उधर से फूल बने रहते हैं, और डेड बॉडीज के छाती पे या सीने पे इनको रखा जाता है जब इनको फंसाने लेकर जाते हैं। तो गार्लैंड मालाएं थी, विलोज थे और ऑलिव लीव्स थी, वाइल्ड सेलरी थी, लोटस पीटल्स थे और कॉर्न फ्लावर्स थे जो कि अब मुरझा चुके थे, पर एविडेंस थे, सबूत थे किस चीज के, बरियल इन मार्च और अप्रैल, इनका जो दाह संस्कार बरियल हुआ था, दफनाया गया था, वो मार्च अप्रैल के पास हुआ था। तो एक डिस्कवरी हुई। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी प्रिजर्व्ड बॉडी, कि इस बॉडी को हम प्रिजर्व रखते हैं ताकि आगे भी काम में आए, या फिर उनको आफ्टर लाइफ बॉडी की जरूरत पड़े आत्मा को तो उसको काम में लिया जाए। व्हेन ही फाइनली रीच द मम्मी, तो ही रेन इन टू ट्रबल, जैसे ही कॉफिन को खोलता गया और मम्मी तक पहुंच गया, उस समय वो ट्रबल में, मुसीबत में आ गया। द रिचुअल रेजिंस, यहाँ रिचुअल का मतलब जब मम्मीफिकेशन किया गया या फिर उनका लास्ट अंतिम संस्कार, उस समय रेजिन
एक केमिकल काम में लेता है, इसको बोलते हैं स्टिकी फ्लेमेबल सब्सटेंस दैट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में तो घुलता नहीं है और फ्लेमेबल होता है, ज्वलनशील होता है। इस चीज को रेजिन्स कहते हैं। हेड हार्डन, और वो रेजिन था वो हार्ड हो गया था। सीमेंटिंग ट्यूब टू द बॉटम ऑफ इट सॉलिड गोल्ड कफिन, और सीमेंट की तरह चिपका लिया था ट्यूब की डेड बॉडी को कॉफिन के साथ, तो कॉफिन से डेड बॉडी अलग नहीं हो रही थी। नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम, कार्टर रोट लेटर व्हाट वाज टू बी डन। कार्टर ने बाद में लिखा था कि कितनी भी जो रीजनेबल ताकत है, लेजिटिमेट फोर्स जिससे कोई नुकसान नहीं हो, ऐसी ताकत लगाने के बावजूद भी हम इसको हिला नहीं पा रहे हैं, अब क्या किया जाए। तो कॉफिन से बॉडी अलग नहीं हो रही थी, और अलग करने के लिए लेजिटिमेट ताकत ही लगा सकते हैं, वरना तो बॉडी को या कॉफिन को नुकसान हो सकता है और उनकी ऑल्डनेस खत्म हो सकती है। द सन कैन बीच डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट, अब जो सूरज की गर्मी है वो हथौड़े की तरह से बहुत ज़्यादा होती है फार साउथ इन इजिप्ट, जो इजिप्ट का दक्षिणी दूर का हिस्सा है। एंड कार्टर ट्राई टू यूज इट टू लूजन द रेजिंस, और कार्टर ने सोचा कि मैं इसको काम में लूँ या धूप से रेजिन को लूज कर लूँ। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक, टू सेट द मम्मी आउटसाइड, उसने मम्मी को धूप में रख दिया इन ब्लेजिंग, जो कि बहुत ही तेज धूप थी, सनशाइन थी, और कितनी डिग्री की थी, 149 डिग्री फ़ारेनहाइट थी। उस पर उसको गर्म किया पर नथिंग बस्ट, कोई भी हलचल नहीं हुई, कहना मतलब डेड बॉडी कॉफिन से अलग नहीं हो पाई, तो इतनी मेहनत करने के बावजूद भी। उसके बाद देखते हैं क्या किया। ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटेचमेंट, अब उसने सोचा कि हम इसको साइंटिफिक तरीके से डिटेच करते हैं, डिटेच का मतलब था अलग करना, दैट द कंसोलिडेटेड मटीरियल हैड टू बी सीजल्ड। ये सीजल क्या होती है, सीजल को बोलते हैं छेनी, जो हथौड़े के साथ एक छोटी सी की ली जाती है उसको सीजल बोलते हैं, तो सीजल के साथ इसे अवे करना चाहिए, दूर करना चाहिए। और बीनीथ द लिम्स, जो पैरों के नीचे, एंड ट्रंक, और संदूक से जो चिपका हुआ है, बिफोर इट वॉज पॉसिबल टू रेज द किंग्स रिमेन्स, और इससे पॉसिबल तभी हो पाएगा जब हम राजा के रिमेन्स को, रिमेन्स जो अवशेष थे उनको उठा पाएंगे। तो उन्होंने छेनी से इसको अलग किया, ऐसी उन्होंने रिपोर्ट में बताया गया, और ये उनको साइंटिफिक लगा। इन हिज डिफेंस, अपने डिफेंस में या फिर सफाई देते हुए उन्होंने कहा, कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस, अब उसके पास कोई चॉइस थी नहीं इसके अलावा। इफ ही हैडंट कट द मम्मी फ्री, यदि मम्मी को अलग नहीं करता, थीव्स मोस्ट सर्टेनली वुड हैव सर्कमवेंटेड टू फाइंड अ वे अराउंड, कि चोरों को एक रास्ता मिल जाता, द गार्ड्स एंड रिप्ड इट अपार्ट टू रिमूव द गोल्ड, और वो क्या करते, ये जो सोना था इसको हटाने के लिए पूरी डेड बॉडी को ही दूर ले जाते, तो मुझे अलग करना जरूरी हो गया। इन टूट्स टाइम द रॉयल्स वर फैबुलसली वेल्दी, अब जब राजा की बात करते तो उनके टाइम में जो रॉयल्स होते थे वो बहुत अच्छे ढंग से वेल्दी होते थे, पैसे वाले होते थे। एंड दे थॉट, और उन्होंने विचार किया, और होप और आशा भी करते थे, दे कुड टेक देयर रिचेज विद देम, और वो अपनी सारी संपत्ति को अपने साथ ले जा सकते थे, शायद ऐसा सोचते थे, तभी वो अपने बरियल प्लेस में ये सारी चीज़ें लेकर के जाते थे, जो भी उनके पास होता था, जितने रिचेज उनके पास होती थी वो अपनी मानते थे। फॉर हिज जर्नी अपनी यात्रा के लिए, टू द ग्रेट बियॉन्ड, जो कि एक आर पार की यात्रा होती थी, पता नहीं कहाँ होती थी। किंग क्यूट वॉज लेविस्ड विद ग्लिटरिंग गुड्स, चमचमाते हुए सामान को लेकर के, लेविस मीन्स लेकर गए, प्रेसियस कीमती, कोलर्स इनलेड जिनपे जड़े हुए थे, नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स, एमुलेट्स क्या होती है, ताबीज को हम कह सकते हैं, जो कि हम बुरी आत्माओं से बचने के लिए, खतरे से बचने के लिए बनाते हैं, सेरेमोनियल एप्रन्स और एप्रन, उत्सवों पे पहने जाने वाले कपड़े, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल्स, सीड्स, अ क्लोज फिटिंग कवर, फॉर हिज फिंगर्स एंड टॉयज, एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कफिन एंड मास्क ऑल ऑफ प्योर गोल्ड, एकदम अच्छे सोने के बने हुए ये सारे सामान, प्रेसियस कॉलर्स, इनलेड जिनपे जड़े हुए थे, कॉलर्स मतलब जड़े हुए थे जिनपे अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, नेकलेसेस,
ब्रेसलेट्स, रिंग्स, एमुलेट्स यानी मतलब ताबीज, सेरेमोनियल एप्रन, सैंडल, सीथ्स, ये सारी चीजें उनके पास थी। और सीथ्स जो कि उनकी अंगुलियों को ढकने के लिए, फिंगर्स को और टॉयल्स को ढकने के लिए भी मास्क के कवर उनके पास थे, और ये प्योर गोल्ड के बने हुए थे। टू सेपरेट क्यूट फ्रॉम हिज अडोनमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव द ममीज हेड। अब देखिए इनके ऑर्नामेंट्स जो एडोनमेंट्स थे, तो सजावट का सामान था, उनको अलग करने के लिए कार्टर के आदमियों ने मम्मी का सर धड़ से अलग कर दिया, वरना तो वो ऑर्नामेंट्स निकलते नहीं। एंड सीवियर और कट कर दिया नियरली एवरी मेजर जॉइंट, जहाँ जहाँ भी कोई जॉइंट था और जिस जॉइंट में से ऑर्नामेंट्स निकालने थे उन जॉइंट्स को अलग कर दिया। वंस दे हैड फिनिश्ड, जब उन्होंने एक बार फिनिश कर लिया सारे आभूषणों को अलग करना, दे रिसेम्बल्ड, रिसेम्बल्ड का मतलब रीअसेम्बल्ड, वापस यूनाइटेड कर दिया द रिमेन्स ऑन अ लेयर ऑफ सैंड इन अ वुडन बॉक्स, एक लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी की एक चादर लगा दी या एक परत जमा दी, और उस परत पे वापस डेड बॉडी को वैसा का वैसा असेंबल कर दिया जैसी वो पहले थी, विथ पैडिंग दैट कंसील्ड द डैमेज। और मिट्टी से क्यों पैड कर दिया, भर दिया इसलिए ताकि वो डैमेज दिखाई नहीं दे। द बेड वेयर टू नाउ रेस्ट, और उस बेड को भी पूरा अच्छे से तो बना दिया जहाँ अब उनको आराम करना था, मतलब डेड बॉडी को वापस मिट्टी की परत पे लेटा दिया गया। तो यहाँ हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो टूट के जो आदमी थे जो रिसर्च कर रहे थे, उन्होंने मम्मी का सर अलग कर दिया, जितने भी जॉइंट थे उनको अलग कर दिया, और उनमें से ऑर्नामेंट्स निकालने की कोशिश करी, और लास्ट में एक वुडन बॉक्स लिया और उस वुडन बॉक्स में मिट्टी की लेयर पर चढ़ाई और उस पर वापस रिस्ट्रक्चर कर दिया, रीअसेंबल कर दी डेड बॉडी को। आर्कियोलॉजी, अब देखिए ये होती क्या है, इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द रिकवरिंग एंड एनालिसिस ऑफ मटीरियल कल्चर। तो आर्कियोलॉजी है चेंज्ड सब्सटेंशियली, सब्सटेंशियली बहुत ज़्यादा मात्रा में लार्जली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, अभी के जो हाल ही के या दशक आए उनमें आर्कियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है, फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर एंड मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रीग्यूइंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। अब देखिए पहले आर्कियोलॉजी वाले क्या करते थे, इन ऑर्नामेंट्स और गहनों के बारे में जानकारी लेते थे कि क्या थे, कैसे बनाते थे, इनको मेटेरियल्स का ज्ञान था या नहीं, इनको कैसे पिघालते थे, किस तरह से इनके ऑर्नामेंट्स बनाते थे, आर्कियोलॉजी इस पर ज़्यादा ध्यान देते थे। पर अब आर्कियोलॉजी का चेंज हो गया है और वो किस पे ध्यान देती है, मिस्ट्रीज ऑफ डेथ, कि आदमी जिंदा रहा तो कितने दिन रहा और मरा तो क्या मरा, इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान आज देने लगी है। और इंटरव्यूइंग में मतलब था इंटरेस्ट अरोज करना, उसमें इंटरेस्ट दिखाना, तो आर्कियोलॉजी चेंज हो गई है, यूजेज मोर सोफिस्टिकेटेड टूल्स, और अब उनके पास रिफाइंड टूल्स भी आ गए हैं, सोफिस्टिकेटेड मतलब सुटेड अच्छे तरीके के औजार भी आ चुके हैं, इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी, और साथ ही साथ मेडिकल टेक्नोलॉजी को भी उन्होंने काम में लेना स्टार्ट कर दिया। इन 1968 मोर देन 40 ईयर्स आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, कि डिस्कवरी जब कार्टर ने करी थी उसके 40 साल बाद में, एन एनाटोमी प्रोफेसर एक्सरे द मम्मी, एनाटोमी के कोई प्रोफेसर आए जिन्होंने मम्मी का एक्सरे किया, रिवील्ड ए स्टार्टलिंग फैक्ट, और उन्होंने एक आश्चर्यजनक फैक्ट निकाल करके दिया, बीनीथ द रेजिन दैट केक हिज चेस्ट हिज ब्रेस्ट बोन एंड फ्रंट रिब्स आर मिसिंग। तो उन्होंने ये कहा कि इनके जो ब्रेस्ट बोन है और जो सामने की पसली है वो मिसिंग थी जब उन्होंने एक्सरे किया, तो लोगों को लगा कि शायद खुद का मर्डर किया गया था, और आपको पता ही होगा ये क्यों हुआ। टूडेज डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड टोमोग्राफी, और आज का जो डायग्नोस्टिक होता है, आज की जो जाँच होती है वो सीटी को पूरा रूप में क्या कहा गया है, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, कि कंप्यूटर के जरिए जो एक्सरे किए जाते हैं उन्हीं को सीटी स्कैन कहते हैं, बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शन आर पुट टुगेदर, कि सैकड़ों एक्सरे लिए जाते हैं और वो भी क्रॉस सेक्शन में आर पुट टुगेदर, और उनको एक साथ रखा जाता है लाइक स्लाइसेज ऑफ ब्रेड, जैसे ब्रेड की स्लाइस होती है, टू क्रिएट अ थ्री डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी, और पूरे शरीर को एक वर्चुअल बॉडी बना ली जाती है, जो उसका अध्ययन हम जब करते हैं तो ऐसा लगता है कि हम बॉडी के पास ही बैठे हैं। व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ ट्यूट देन द एक्सरे, अब सीटी स्कैन क्या क्या एक्सरे से उसके शरीर के बारे में रिवील कर सकती है, वो सारी चीज़ें करने की कोशिश की जा सकती है। एंड कुड इट आंसर टू ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चंस स्टिल
लिंगरिंग अबाउट हिम, और क्या जो सबसे बड़े सवाल थे उनकी लाइफ के बारे में जो अभी भी पीछे छोटे जा रहे थे उनका जवाब दे सकती है। हाउ डिड ही डाई, वह कैसे मरा, एंड हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ द डेथ, और जब वो मरा तो कितने उम्र का था। तो ये मिस्ट्री जानने की कोशिश की जा रही है आर्कियोलॉजिस्ट और डायग्नोस्टिक सिटी स्कैनिंग के द्वारा। किंग ट्यूट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट, जब राजा मरे तो ये बड़ी कहानी थी, इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स, और यदि रॉयल स्टैंडर्ड से जानकारी लेना चाहे तो भी बड़ी थी, क्योंकि ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, वो सबसे अंतिम राजा थे, एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ ए डायनेस्टी, और उनका जो फ्यूनरल था, फ्यूनरल का मतलब अंतिम संस्कार, वो भी डेथ रेटल कहा जाता था, कि इसके बाद में आगे उनकी डायनेस्टी खत्म ही हो रही थी, द इंडिकेशन ऑफ द एंड ऑफ द डायनेस्टी। तो ये जो ये बताया जा रहा था कि इनके बाद इनका शासन आगे चला ही नहीं, तो इसका मतलब क्या राज रहा होगा, इनका बेटा हुआ या नहीं हुआ, इनकी शादी हुई नहीं, इनको क्यों मारा गया। बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स aftermath, aftermath का मतलब आफ्टर इफेक्ट आर अनक्लियर, तो उनके बारे में बहुत कम जानकारी हमारे पास थी, इसलिए एक बड़ी घटना बन जाती है किंग ट्यूट की डिमाइस या मौत होना। डिमाइस मीन्स डेथ। एमेनहोटेप थर्ड, ट्यूट्स फादर और ग्रैंडफादर, ये श्योर नहीं है कि ये एमेनहोटेप थर्ड इनके फादर थे या ग्रैंडफादर, वॉज अ पावरफुल फरवा हु रूल्ड फॉर ऑलमोस्ट फोर डिकेड्स एट द हाइट ऑफ द 18th डायनेस्टी गोल्डन एज, और जो 18th डायनेस्टी थी इनकी जो 18वीं राजघराना था या पीढ़ी थी उसके गोल्डन एज तक उन्होंने शासन किया और बड़े ही पावरफुल फरवा रह चुके थे। एज हिज सन एमेनहोटेप फोर्थ, और इनके जो बेटे थे एमेनहोटेप फोर, सक्सीडेड हिम एंड इनिशिएटेड वन ऑफ द स्ट्रेंजेस्ट पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ एंशियंट इजिप्ट, अब उनका जो पीरियड रहा वो बड़ा ही स्ट्रेंजेस्ट रहा, स्ट्रेंज का मतलब अजीब रहा, इजिप्ट के एंशियंट इजिप्ट में, अब कैसे रहा, लेट्स सी। द न्यू फरोहा प्रोमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन, अब देखिए जो नए फरवाह जो नए राजा है उन्होंने प्रोमोट किया पूजा करना किसकी, एटन की। एटन किसे कहते हैं, द सन डिस, सूर्य की। चेंज हिज नेम टू एकेन एटन, और अपना नाम भी क्या कर लिया, एकेनेटन, और सर्वेंट ऑफ द एटन, जिसको कहा जाता है एटन का दास या गुलाम या सेवक। एंड मूव्ड द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेब्स टू द न्यू सिटी ऑफ एकेनेटन, तो उन्होंने अपनी राजधानी को भी थेब्स से चेंज करके एकेटेटन से एकेटेटन में कन्वर्ट कर दिया, नोन नाउ एज एमरना, और आज वो एमरना के नाम से जानी जाती है। हिज ही फर्दर शुक द कंट्री बाय अटैकिंग एमन अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, अब क्या किया कि उन्होंने अटैक करना स्टार्ट कर दिया गॉड एमन पे, और वो कौन है, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस, और उनकी इमेजेस को स्मैश कर दिया, एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स, और उनके मंदिरों को बंद करवा दिया गया। इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, और बड़ा ही डरावना समय रहा होगा, जैसा कि हमारे देश में भी बहुत बार आए हैं, डचेज आए हैं, फ्रांसिस आए हैं, मंगोलियंस आए हैं, मंगोल्स एंड इवन द मुगल्स, दे केम दे लूटेड आवर टेम्पल्स एंड ऑल एंड दे चेंज्ड द स्ट्रीम ऑफ रिलीजन्स एंड एवरीथिंग, तो ऐसा ही शायद उनके पास हुआ होगा, वो हॉरिफिक टाइम रहा होगा, सेड रेन जॉनसन, ये रेन जॉनसन कहते हैं, डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर इन लेक्चर, तो लेक्चर में जो रिसर्च सेंटर है शिकागो का, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं रे जॉनसन, वो कहते हैं कि ऐसा इन्होंने किया। द साइट ऑफ एंशियंट थेब्स, इनकी साइट कहाँ है, थेब्स में चल रही है अभी। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड, और जिस फैमिली ने सेंचुरीज तक शासन किया आज उसका अंत हो गया। एंड देन एकेनेटन वेंट अ लिटिल वैकी, और अब क्या हुआ, ये थोड़े से कमजोर हो गए। आफ्टर एकेनेटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन थेकरे, क्या हुआ, स्मेन करे अपीयर्ड ब्रीफली एंड एग्जिस्टेड विद हार्डली अ ट्रेस, एंड देन अ वेरी यंग टूटन खेतन टुक द थ्रोन, फिर क्या हुआ,
आफ्टर एथेंथन की डेथ, उनकी मौत के बाद मिस्टीरियस रूलर, एक रहस्यमय रूलर आए जिनका नाम था स्मैन खेरे, अपियर्ड ब्रीफली थोड़े समय के लिए एंड एक्साइटेड एंड एग्जिटेड और वापस निकल गए विद हार्डली ए ट्रेस, जिनका कोई ज़्यादा नामो निशान और कोई ज़्यादा खैर खबर नहीं थी। एंड देन अ वेरी यंग टूटन खेतन टुक द थ्रोन, और एक युवा नाम के जो राजा थे टूटन खेतन टुक द थ्रोन, उन्होंने राज लिया या शासन पे आशीर्ड आरूढ़ हुए चढ़े। किंग ट्यूट एज ही इज वाइडली नोन टूडे, और उन्हीं का नाम था ट्यूट, जिनका पूरा नाम था टूटन खातन या टूटन खाएटन, हिज वाइडली नोन टूडे, और आज उनको किंग ट्यूट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज इज नेम टू ए टूटन खानुम, टूटन खामुन अपना नाम चेंज कर लिया, लिविंग इमेज ऑफ आमुन, एंड ओवरशा ए रिस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और उन्होंने वापस कर दिया कि मैं पुनर्स्थापित करूँगा, एटन को हटा करके वापस आमुन चेंज कर दिया। ही रीगेंड फॉर अबाउट 9 years, और 9 साल तक उन्होंने फिर से शासन किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और 9 साल तक शासन करने के बाद, रेन का मतलब था शासन किया, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, कि किसी ने उनकी मौत की एक्सपेक्टेशन भी नहीं करी थी और वो खत्म हो गए। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशन अबाउट हिज फेट, ट्यूट इज वन ममी अमंग मेनी इन इजिप्ट। अब देखिए, रिगार्डलेस यदि हम बात करें ऑफ हिज फेम, उसकी प्रसिद्धि की, एंड द स्पेकुलेशन और उनकी कल्पनाएं की जाए अबाउट हिज फेट, उसके भाग्य दुर्भाग्य के बारे में, ट्यूट इज वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट, इजिप्ट में बहुत सारी मम्मी हैं, उनमें से एक मम्मी कौन है, ट्यूट है। हाउ मैनी, कितनी मम्मीज हो सकती है, सवाल ये आता है। नो वन नोज, कोई भी नहीं जानता कि मिस्र में या इजिप्ट में कितनी सारी मम्मीज है, मतलब है जिन पर रिसर्च करना बाकी है। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग, 600 मम्मी तो अभी तक तलाश कर ली की जा चुकी है, गिनी जा चुकी है 2003 तक, और अभी भी काउंटिंग चल रही है। द नेक्स्ट फेज, अगले फेज में स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन, और अब क्या कर रहे हैं कि पोर्टेबल सिटी मशीन से उनकी स्कैनिंग चल रही है, डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी, और ये जो सिटी मशीन कौन दे रहे हैं, नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी दे रही है, एंड साइमंस इट्स मैन्युफैक्चरर, जो इस सिटी स्कैनर के मैन्युफैक्चरर हैं। किंग क्यूट इज वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन, और किंग क्यूट की मम्मी इनमें से सबसे पहली है जिनका स्कैनिंग हुआ है। इन डेथ, मौत के बाद, एज इन लाइफ, मूविंग रीगेली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, और जो कि जिंदा थे तब भी अपने कंट्रीमैन से सबसे आगे थे, और मौत के बाद में भी स्कैनिंग में सबसे आगे रहे हैं। ए सिटी मशीन स्कैन द मम्मी हेड टू टॉय, क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। ये जो सिटी स्कैन मशीन होती है वो मम्मी के सर से लेकर के पांव तक, हेड टू टॉ कहने मतलब सर से पांव तक 1700 डिजिटल एक्सरे इमेज लेती है, वो भी क्रॉस सेक्शन में। क्यूट्स हेड स्कैन इन 0.62 millimeter स्लाइसेज टू रजिस्टर इट्स इंट्रिकेट स्ट्रक्चर टेक्स ऑन ईरी डिटेल्स इन द रिजल्टिंग इमेजेस, और जब ये इमेज एक साथ होकर के आती है तब जा कर के रिजल्ट निकलता है, और इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इंट्रिकेट, इंट्रिकेट का मतलब जटिल, तो इन जटिल स्ट्रक्चर के 1700 से ज़्यादा डिजिटल पिक्चर लिए जा रहे हैं और उनको एग्जीक्यूट कर करके वापस इनकी बॉडी शेप में लाई जा रही है। विद क्यूट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड अ टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी फॉरेंसिक्स एंड एनाटोमी बिगेन टू प्रोब द सीक्रेट्स दैट द विंग्ड गोडेसेस ऑफ अ गिल्डेड बरियल श्राइन प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग। तो ये कहा जाता है कि जो क्यूट की एंटायर बॉडी थी उसको रिकॉर्ड किया गया एक टीम के द्वारा, और टीम में भी कौन कौन लोग हुए, स्पेशलिस्ट थे रेडियोलॉजी के, दूसरे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के, और तीसरे एनाटॉमी के। ये तीनों ही रेंज है जो बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करती है।
तो रेडियोलॉजी वाले देख रहे हैं कि इनकी उम्र क्या है, फॉरेंसिक्स वाले देख रहे हैं कि कारण क्या रहे मरने के, और एनाटॉमी होती है कि कौन कौन सी चीज़ें उस समय होती थी नहीं होती थी, ये बॉडी की देखेंगे, फॉरेंसिक क्राइम की जांच करेंगे, रेडियोलॉजी टाइम की जांच करेंगे, और ये इंक्वायर कर रहे हैं सीक्रेट्स दैट विंग्ड गॉडेस। अब ये विंग्ड गॉडेस कौन है जिनके पंख होते हैं, ऑफ अ गिल्डेड बरियल, और जो सोने की बरियल है वहाँ पे श्राइन्स प्रोटेक्टेड फॉर सो लॉन्ग, इतने समय से इस विंग्ड गॉडेस ने इस डेड बॉडी की रक्षा करी, और ये है जो आपको सामने दिखाई दे रही है ओसिरिस गॉडेस ऑफ डेथ। तो ओसिरिस गॉडेस ऑफ डेथ को मानते हैं, जैसे यहाँ लॉर्ड शिवा को लॉर्ड ऑफ डेथ माना जाता है, तो इजिप्ट में ऐसा सोचा जाता है कि ओसिरिस है जो गॉडेस ऑफ डेथ है, जो डेथ के बाद में आदमी की रक्षा करती है, ध्यान रखती है। द नाइट ऑफ द स्कैन, जिस रात्रि को ये स्कैनिंग हो रही थी क्या हुआ देखते हैं। वर्कमैन कैरीड टूट फ्रॉम द टूम इन हिज बॉक्स, तो वर्कमैन आए और कैरीड लेकर के गए टूट फ्रॉम द टूम कब्र में से इन हिज बॉक्स, जो अपने ही बॉक्स में थे, लाइक पेल बेयरर्स। पेल बेयरर्स कौन होते हैं, हाँ जो मरी हुई डेड बॉडी को सहारा देने वाले जो चार लोग होते हैं उनको पेल बेयरर्स कहते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स टू एस्कॉर्ट अ कॉफिन एट फ्यूनरल, कि कफिन को फ्यूनरल तक लेकर के जाते हैं उनको पेल बेयरर्स कहते हैं। दे क्लाइम्ब अ रैंप, वो पहले एक रैंप पे चढ़े, एंड अ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, और फिर एक फ्लाइट बनाया गया स्टेयर केसेस का, इन टू द स्विरलिंग, स्विरलिंग का मतलब ट्विस्टेड घुमावदार, एंड सेंड आउटसाइड जो कि घुमावदार मिट्टी थी। देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट, और फिर एक हाइड्रोलिक लिफ्ट पे चढ़ गए, इन टू द ट्रेलर, और फिर चले गए ट्रेलर में, दैट हेल्ड द स्कैनर, और उसे ट्रेलर में स्कैनर रखा हुआ था। ये देखो किस तरीके से कहानी को क्रिएट किया जा रहा है, कि जहाँ इनकी टूम थी वहीं पे कंटेनर लेकर के गए जिसमें स्कैनर था, एक ट्रेलर लेकर गए, ट्रक में स्कैनर डाला बड़ा सा, जो सिटी स्कैन मशीन थी वो डाली गई, और उसको लेकर के कहाँ पहुँच गए, वहीं पे पहुँच गए जहाँ इनका मकबरा था। मकबरे से डेड बॉडी को ट्रेलर तक पहुँचाने के लिए एक हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया गया, और जो पेल बेयरर्स थे वो डेड बॉडी को लेकर के आए रैंप के सहारे, पहले सीढ़ियों से चढ़े, सीढ़ियों पे चढ़ करके किस पे आ गए, हाइड्रोलिक लिफ्ट पे आ गए, और हाइड्रोलिक लिफ्ट ने उठा करके डेड बॉडी को ट्रेलर पे रख दिया जिसमें स्कैनर था। 20 मिनट्स लेटर, 20 मिनट के बाद में टू मैन इमर्ज, और दो आदमी सामने आए, इमर्ज का मतलब अपीयर्ड, स्प्रिंटेड बहुत ज़ोर से दौड़ते हुए आए, फॉर एन ऑफिस नियर बाई, और पास में कोई ऑफिस बना हुआ था उसमें दौड़ करके गए, एंड रिटर्न विद अ पेयर ऑफ वाइट प्लास्टिक फैंस, और दौड़ करके आए और दो प्लास्टिक के फैन लेकर के आए। अब कहानी वहीं से जुड़ी है जहां लाखों श्रद्धालु खड़े थे, टूरिस्ट खड़े थे और देख रहे थे कि क्या हो रहा है डेड बॉडी के साथ, और कहीं कर्ज तो नहीं लग जाए, और हवा का रेतीला तूफान उस समय उठ चुका था, और कंटेनर वहां आ चुका था, कंटेनर में डेड बॉडी जा चुकी थी, 20 मिनट तक डेड बॉडी का निरीक्षण हो चुका था। 20 मिनट के बाद में दो गार्ड या मान लीजिए दो जो चेकिंग करने वाले लोग थे वो दौड़े और दौड़ के पास वाले ऑफिस में गए और प्लास्टिक के दो फैन लेकर के आए। द मिलियन डॉलर स्कैनर हैड क्विट बिकॉज ऑफ सैंड इन ए कूलर फैन। अब ये कारण क्या रहा था, जो मिलियन डॉलर का स्कैनर था वो बंद हो चुका था किस कारण से, कि उसके कूलर फैन में मिट्टी घुस चुकी थी। कर्स ऑफ द फरोखा, ये लो जी राजा का अभिशाप लग गया, कूलर फैन में मिट्टी घुस गई, अब पता नहीं क्या होने लगेगा। जॉब्ड एट गार्ड नर्वस था, पर मजाक जरूर उसने कर ली। ऐसा तो नॉर्मली होता ही है कि जब भी हम डरावनी चीज़ों पे हाथ मारते हैं, हाथ लगाते हैं, तो डर ये रहता है कि पता नहीं क्या होगा, कुछ भी हुआ ये लो, मैं तो यही कह रहा था, ऐसा ही यहाँ हुआ। इवेंचुअली द सब्स्टिट्यूट पेन वर्क वेल, और सब्स्टिट्यूट का मतलब जो दूसरे थे, पहले वाले फैन बंद हो गए थे पर सब्स्टिट्यूट के लिए जो फैन लगाए गए वो काम कर गए। इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर, और इतना काम कर गए कि अपना प्रोसीजर था वो खत्म हो चुका था। आफ्टर चेकिंग दैट नो डेटा हैड बीन लॉस्ट, और ये भी देख लिया गया कि कोई डेटा लॉस्ट नहीं हुआ था। द टेक्नीशियन टर्न्ड क्यूट ओवर टू द वर्कमैन, और क्यूट को वापस वर्कमैन को दे दिया गया, हु कैरीड हिम बैक टू हिज टूम, और वो उसे अपने टूम में वापस ले आए। लेस देन 3 आवर्स, 3 घंटे से भी कम समय में, आफ्टर ही वॉज रिमूव फ्रॉम हिज कॉफिन, अपने कॉफिन से निकाले गए। द फरोहा अगेन रेस्टेड इन पीस, वापस शांति से रेस्ट करने लग गए। वेयर द फनररी प्रिस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग अगो, जहाँ उनके फनरर के समय जो प्रिस्ट थे उन्होंने उनको सुलाया था
वहीं पे 3 घंटे के बाद वापस उनको सुला दिया गया। तो जहाँ से चैप्टर स्टार्ट हुआ था वहाँ अब जुड़ा है वापस, बीच में छोटी छोटी कहानियां लेकर मैं डाली कि क्या होता था क्या नहीं होता था। तो हम जहाँ खड़े थे वहाँ यही था कि ये समय था, इनकी एज ये रही होगी, इनकी डेड बॉडी को उठाया गया, बेयरर्स आए और उनको उठा करके कंटेनर में लेके गए। 3 घंटे से कम समय में उनकी स्कैनिंग हुई, वापस उनको उनकी डेड बॉडी जहाँ थी वहाँ पहुँचा दिया गया। बैक इन द ट्रेलर अ टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनाइजिंग इमेजेज ऑफ क्यूब ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। और जो टेक्नीशियन थे ट्रेलर में, वापस चलते हैं, ट्रेलर में टेक्नीशियन ने पुल्ड अप मीन्स खींच लिए थे या निकाल दिए थे एस्टोनाइजिंग आश्चर्यजनक या सरप्राइजिंग इमेजेस तस्वीरें ऑफ क्यूट राजा क्यूट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन पर बनाई। ए ग्रे हेड टुक शेप, एक जिसका कलर नहीं होता है, कलरलेस हेड था जो बनाया गया और उसने आकृति लेना स्टार्ट किया था। सिटी स्कैन का यही काम होता है कि आप जब स्कैनिंग करते हैं तो पूरी की पूरी बॉडी स्ट्रक्चर रिस्ट्रक्चर कर दिया जाता है और वो दिखता है कि जैसे जीवित हो। फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स, स्कैटर का मतलब होता है छिन बिछिन होते हुए जो पिक्सल्स थे उनसे, एंड द टेक्नीशियंस स्पन, स्पन का मतलब है टू टर्न अराउंड, इधर उधर करके देखा स्पन, एंड टिल्टेड और टेढ़ा मेढ़ा किया इट इन एवरी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में। नेक जो गर्दन थी, वर्टेबेरे सीरीज ऑफ स्मॉल बोन्स विच फॉर्म ए बैकबोन, जो पीछे की जो रीढ़ की हड्डी होती है उसका जो निर्माण करने वाली जो हड्डियाँ होती है उनको वर्टेबेरे कहते हैं। अपियर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटोमी क्लास, कि इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे कि एनाटोमी की क्लास में दिखाई देती है। अदर इमेजेस रिवील अ सेवरल व्यूज ऑफ द रिब केज एंड ए ट्रांसेक्शन ऑफ द स्किल, तो और भी इमेजेस दिखाई दी जैसे हैंड व्यूज ऑफ रिब केज, जो पसलियों का पिंजरा होता है वो, ट्रांसेक्शन ऑफ द स्किल, ट्रांसेक्शन स्किल का भी दिखाई दिया गया खोपड़ी का। बट फॉर नाउ द प्रेशर वॉज ऑफ, पर अब प्रेशर खत्म हो चुका था। सिटिंग बैक इन हिज चेयर, और अपनी चेयर पे पीछे बैठते हुए जही हवास स्माइल, जही हवास मुस्कुरा के कहा, विजिबली रिलीव्ड दैट नथिंग हैड गॉन सीरियसली रॉन्ग, अब उनका जो शक था डाउट था वो खत्म हो चुका था और कहा कि सीरियसली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, कोई मर्डर जैसी कहानी इसमें नहीं थी। आई डिडंट स्लीप लास्ट नाइट, मैं कल रात को नहीं सो पाया था, नॉट फॉर अ सेकेंड, उन्होंने कहा, आई वॉज सो वरीड, मैं बड़ा चिंतित था, बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप, अब मैं जाऊँगा और सोऊंगा। बाई द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर सेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड, और हवा रुक चुकी थी। शुरुआत में जितना खतरनाक दिखाई दे रहा था सीन, अब उतना खतरनाक नहीं रहा, डरावना नहीं रहा। डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स, और जो मेटल स्टेयर्स थे उनको नीचे उतार दिया गया, टू द सैंडी ग्राउंड, धूल भरे ग्राउंड में, द विंड हैड स्टॉप्ड, हवाएं रुक चुकी थी, द विंटर एरी ले कोल्ड एंड स्टिल, और जो अब सर्दियों की जो हवा थी ले चलने लगी थी, कोल्ड ठंड बढ़ चुकी थी, एंड स्टिल एकदम शांत हो चुकी थी, लाइक डेथ इटसेल्फ, जिस तरह से मौत खुद अपने आप में शांत होती है उस तरह से। इतनी देर तक लग रहा था कि डेड बॉडी को हम कुछ ना कुछ चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गलत नहीं हो जाए, कोई कर्ज नहीं लग जाए, पर अब सब साफ था। इन टू ह्यूज टूम स्टूड ओरियन, ओरियन अ ग्रुप ऑफ स्टार्स, द कंस्टेलेशन, कंस्टेलेशन का मतलब ग्रुप, दैट द एंशिएंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस, और ये जानते थे कि जो ओसिरिस की आत्मा है वही एक ओरियन, कोई कंस्टेलेशन ऑफ स्टार्स है, तो स्टार्स का एक ग्रुप दिखाई दे रहा था, द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ, और इसी को क्या कहते हैं, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ। तो ओसिरिस दिखाई दे रही थी वॉचिंग ओवर द बॉय किंग, और जो कि उस छोटे से राजा की निगरानी कर रही थी। इस प्रकार हमारा चैप्टर पूरा होता है और हमने चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें जान ली कि एक 17 साल का राजा था, उसने किस प्रकार अपने धर्म को वापस स्टार्ट किया और किस तरह से उनकी मौत हुई, और साथ ही साथ जो मॉडर्न साइंस है, आर्कियोलॉजी है, वो भी कितना चेंज हो चुकी है और किस तरीके से मौत के बारे में, डेड बॉडीज के बारे में रिकंस्ट्रक्शन करती है। तो बस हमारा चैनल देखते रहिए और सवालों के जवाब देते रहिए।
आपको कुछ भी जानना है तो आप कमेंट जरूर करें। बाय।